नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज दो पक्षों के बीच के विवाद की दो वीडियो हम आपको बता रहे हैं। पहली वीडियो राजस्थान के जयपुर का है और दूसरा वीडियो यूपी का है। पहली वीडियो में एक व्यक्ति को ट्रैक्टर से बार बार कुचला जा रहा है। आपको पूरा मामला समझाते हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। पूरा मामला जयपुर के शेष थाने के सूरतपुरा गांव का है, जहां जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो गुंद आपने सामने हो गए हैं। खेत में जुताई का काम कर रहे रमेश को बाबूलाल ने रोक दिया और वहां से भगा दिया, जिसको लेकर काफी विवाद पैदा हो गया। दोनों ने जमकर एक दूसरे पर लाठियां डंडे बरसाए, तभी रमेश ने बाबूलाल पर ट्रैक्टर चला दिया। इस घटना में 5 से 6 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सभी घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है, लेकिन बाबूलाल की मौत हो चुकी है, यानी रमेश ने बाबूलाल की हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच काफी सालों से विवाद चल रहा था और मामला बाबूलाल की हत्या पर आकर थम गया। सुनिए ACP राय सिंह बेनीवाल ने क्या कहा है। सूरतपुरा गाँव में उसमें दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जमीन के एक रास्ते को लेकर विवाद, पहले भी आपस में इनमें आप छोटी मोटी बात को लेकर चल रहा था। उनमें एक आदमी की डेथ हुई है बाबूलाल नाम के, और बाकी 3-4 इंजर्ड भी हैं। 3-4 आदमियों को राउंड अप कर रहे हैं भाई और पोस्टमार्टम करवा। अब आपको दूसरी वीडियो बताते हैं, जिसमें यूपी के हरदोई कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में दो पक्षों के बीच में ईंट और लाठी से विवाद हो रहा है। पुलिस को इस बात की खबर भी नहीं थी, लेकिन जब वीडियो वायरल हुई तो ये मामला पुलिस के सामने आया। देश में लॉकडाउन के बाद से विवाद के कई खबर सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले में लाचार नजर आ रही है। हरदोई में कोरोना संक्रमित हॉटस्पॉट इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जमकर हिंसा हुई। दोनों के ओर से ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे। हिंसा की इस घटना ने हॉटस्पॉट इलाके में पुलिस की सतर्कता की भी पोल खोल दी है। 15 मई की शाम को हुए इस हादसे से जुड़ा एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों में से 4-4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में काफी दिनों से कोई मामले को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन इस हिंसा के बाद इस मामले को रोक दिया गया है। देखिए किस तरह से लोग ईंट पत्थर चलाकर एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।